रमशा सही शशधर सा उसका गाल थपथपाने लगा। आंखें खोलो रमशा, देखो तुम्हें जीना है, मैं आया हूं ना तुम्हें लेने। चलो मेरे साथ, तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो सकती है। उठो, एक अच्छी जिंदगी गुजारने उठो रमशा। वो उसे झुंझुड़ने लगा। वो चार बरसी बारिश, गरजते बादल, कड़कती बिजली, उस तूफानी स्यार रात में उस मासूम बच्ची की चीखें वहीं घूमती दम तोड़ रही थी, क्योंकि उसकी माँ उसका साथ छोड़ चुकी थी। रमशा, सईद ने दुख से उसे बुलाया पर वो नहीं उठी। वो बेबसी से सुर्ख लहू की मानी आंखों से उस रोती हुई बच्ची को देखने लगा। उसे आहिस्ता से उठाकर अपने सीने से लगाया। सकीर, दफातन उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा, जिसे उसने उसके हवाले किया था, वो आते और घर को ढूंढते हुए कहीं भी नहीं मिला था। यहाँ कोई भी पहुंच सकता था किसी भी वक्त, इससे उसे जल्द अज जल्द सगीर को ढूंढना था। वो बच्ची को सीने से लगाकर उठा कि बाद में आकर वो रमशा को लेकर जाएगा, और वो सगीर को ढूंढने लगा। उस सगीर को जिसका नाम उसने अपने बेटे पर रखना चाहा था, पर वक्त दोनों ही दफा उसकी बहन ने ऐसा नहीं करने दिया, और वो सगीर उसे यहाँ मिला था, स्कॉटलैंड की कासिल के लहू में नहाए घर से, उसके वतन के दुश्मन का बेटा, दुश्मन का खून, और उसकी रगों में उसकी माँ का भी लहू तो था। वो एक नज़र वहाँ अंधेरे में पड़े रमशा की बेचैन वजूद पर डालकर दूसरी तरफ परिंदारी में दाखिल हो गया था। सकीर जवाब दो, उसे बुलाने लगा। एक हाथ में हंजर वापस निकालते हुए दूसरे हाथ से उसी बच्ची को थामा हुआ था। दफातन एक तरफ अंधेरे में चार आंखें उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसकी एक एक हरकत और सारी बात भी उन्हें मालूम हो गई जो वो दोनों कर रहे थे, बल्कि उनके पास ट्रांसमीटर की दूसरी जानब शख्स बहुत आसानी से उसकी ये बात सुन रहा था। शहजादे को हादसे में मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीस सी था। दाईं तरफ अंधेरे में बनी उस सुरंग में बैठे पीस के गुम होते ही उन्होंने दूसरी तरफीन की बात सुनी। वो कुछ देर बाद वो आहिस्ता से दबे कदमों निकपाहे निकले, साथ उस छोटे से बुजुर्ग को घसीट कर निकाल दिया जिसे वो पहले मारने वाले थे, पर अब उनका इरादा बदल गया था क्योंकि दूसरी तरफ एक काम जो बदले थे। एक उसे होश में लाने लगा तो दूसरा काम सर अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा। मामा, मखसूस रख के दबाने पर वो करहा कर होश में आया, पर आवाज़ के गूंजने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। श्श, बीस यही है। उसके लबों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश करवाया। सात साल सगीर हैरत से उन्हें देखने लगा और सारी सूरत हाल को समझने लगा। तब उसके दिमाग पर उसकी माँ का तड़पता वो वजूद ले रहा। मामा, वो चीखने मचलने लगा। खामोश हो जाओ वरना बीस तुम्हें भी मार देगा। वो उसे उठाकर उसके मचलते वजूद को लेकर रमशा की डेड बॉडी के पास आ गए। यह है तुम्हारी माँ, उसे जिस वजूद के सामने पटक कर मशाल रोशन किया, और उसकी फैली आंखें जैसे ही अपनी माँ पर गईं, उसकी खौफनाक चीख निकल जाती अगर वो उसका मुंह दबोच कर बिल्कुल बंद न कर देते तो। बीस ने मारा है तुम्हारे बाप को भी और तुम्हारी माँ को भी। वो तुम्हारी बहन को ले गया तुम्हारी माँ से छीनकर, और जब उन्होंने मजम्मत की तो ये चूरा उनके पेट में घोंप दिया। वो ऐसा ऐसा उसके नाजुक से जहन में सूर फूंक रहे थे। वो सामने रमशा के पेट पे लगे बड़े से हंजर और कटी गर्दन की तरफ इशारा देते हुए बोला। सगीर का देखना मुखाल हो गया। वो नहायत बुरी हालत में मरी पड़ी थी, और वो कोई और नहीं एक 7 साल के बच्चे की माँ थी। जब कोई अपना भी मरता है तो इंसान पर क्या गुजरती है, पर यहाँ तो उसका वाहिद सहारा उसकी माँ ही उससे छीन ली गई थी। इतफाक ये कि उसी बीच से उसके माँ बाप को मारा, जिसके डर से वो पहले ही उसकी मौत की दुआएं मांगते थे। वो छोटा था तो इतना भी नहीं था कि ना समझता उसकी माँ की बातें। जब वो कहती थी मार देगा बीस्ट, मुझे भी मार देगा, ये भी तो छुपा हुआ नहीं था कि उसकी माँ के पास जिसकी आंखें हैं वो ब्लाइंड ब्यूटी की हैं, वो ब्लाइंड ब्यूटी के पास जो आंखें हैं वो उसकी माँ की, ये भी छुपा नहीं था उससे कि इस जहन्नुम में भेजने वाले उन्हें कोई और नहीं बीस सी तो था। उसके कान में सूर फूंक रहे थे कि उसका बाप उन्हें अपनाने वाला था पर बीस से उसे मार दिया, और तुम्हारी माँ को मोहब्बत की सजा मौत दे दी, अब वो तुम्हें ढूंढने लगा है। वो सरगोशियाँ करते उसे घसीट कर ले गए एक तरफ वापस, और उसी अंधेरे सुरंग में जा बैठे। वो उस ताकतवर आदमी के बाजू में खामोश साकित बगैर उफकिए सामने देख रहा था, जहाँ एक बच्चे की हिचकियाँ सुनाई दे रही थीं और एक अंधेरे में फैला बड़ा चौड़े सीने मजबूत कंधों वाला सियास आया। दोनों आदमियों का दिल खौफ से धड़का, उन्हें खौफ था सगीर ने जरा सी मजम्मत की तो वो दोनों बुरी मौत मारे जाएंगे। सगीर, सईर अब थके थके अजाब से उसे पुकारने लगा, पर वो कहीं नहीं था। उसकी पुकार से सगीर का पाल पाल काम जाता, अब की बार उससे खौफ से आंखें मीच ली थी।
तफातन सईद को सीढ़ियों के पास पड़े लड़के का ख्याल आया और वह साकित खामोश रह गया कि वो उससे पहले ही मारा गया था। उसे थक कर रमशा को देखा और नीचे चमकते मादे को देखकर वो समझ गया कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। मुझे माफ करना सकीर, मैं तुम दोनों को नहीं बचा सका, पर तुम्हारी बहन को जरूर दुनिया की खुशियां दूंगा। वो सोचकर रमशा के सीने पर उसकी बेटी को डालकर उसके मुर्दा वजूद को बाहों में उठाता दोनों को लेकर वहां से निकला। देखो वो तुम्हारे माँ बाप बहन का कातिल सकीर, बेसर तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी। वो चीखता अपनी बहन के लिए मजम्मत करना चाहता था, पर उन्होंने कानों में कहते आहिस्ता से उसकी मखसूस रग को दबाकर उसके सारे आवाज सर से सुन कर दिए और वो कमजोर मजम्मत के साथ ही दश तारीखी में उतरता चला गया, शायद हमेशा के लिए। ना वो बीस को मारकर अपनी बहन ले सका, ना ही बीस से अपने माँ बाप का बदला ले सका। इतना कमजोर था वो कि ये दोनों वजूद उसे सुरंग में घसीट कर ले जा रहे थे। वो घसीटता जा रहा था बगैर उस बीस से अपनी माँ का बदला लिए, बगैर अपनी बहन को देखने से भी मरहूम। वो अपनी माँ को आखिरी बार बात भी नहीं कर सका था। वो अपने दोस्त को मौत से बचा नहीं सका जो उसे बचाते खुद मौत को गले लगा बैठा था। ये सब बीस ने किया था, इतने लोगों को मार दिया, इतना लहू बहाया उसके अपनों का। क्यों? सिर्फ उसकी माँ ने उससे मोहब्बत की थी इस वजह से। क्या मोहब्बत खुद की जाती है? अगर कल उसकी बेटी को किसी से मोहब्बत हो जाती तो क्या वो भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उसे मार दे, उसके भाइयों, उसके बाप और उसकी माँ को मार दे? मार ही देना चाहिए, क्योंकि यही तो बीस का कानून था। सुरंग से निकल कर वो एक बोट में आ गए। स्याह उजाड़ बरसाते आसमान के नीचे वो स्याही का एक हिस्सा लग रहे थे। उन चट्टानों के पीछे से वो उन्हें दिखाई दे रहा था जाते हुए, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनको भी जिससे उसकी जिंदगियां छीनकर वो हैवान जा रहा था। हाँ, सही सकीर को बर्बाद करके जा रहा था, सिर्फ एक उसकी माँ की गलती की वजह से। वो गलती जो किसी से भी हो सकती है, वो गलती जो किसी के इख्तियार में नहीं। हैवान है, एक बुरा हैवान जिसने बर्बाद कर दिया उसे। शादी के ख्वाब दिखाकर उसे अपने पास रखा और हर तरह का जुल्म करता रहा। जब शादी की बात की उसने तो बीस से तोहफे की सूरत में उसे शहजादे को भेज दिया और शहजादे ने उसे अपनाना चाहा, पर वो कभी नहीं मानी क्योंकि वो सिर्फ बीस से ही प्यार करती थी। इसी वजह से शहजादा उस पर गुस्सा करता और उस बेचारे ने आखिरी दम तक उसे चाहा। जब ये बीस फिर उसे मांगने आया तो शहजादे के इनकार पर उसे मार दिया। फिर मालूम पड़ा वो शहजादे के पास नहीं, यहाँ है स्कॉटलैंड में, तो यहाँ भी सबको लहूलुहान कर दिया। उसकी बेल्ट में लगता सफ़ेद चमकता हुआ अंजर चमका था जो उसकी माँ के पेट में खोपा हुआ था। वो होशो हवास खो बैठा था। कैसल नुमा घर वीरान पड़ा था। बीस के कदम उससे कहीं दूर होते चले गए और वो जाकर गाड़ी में बैठा। उसकी गोद में वो बच्ची थी जिसे बच बचा कर बारिश से लाया था। पिछली सीट पर रमशो उससे आरिफ से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ताकि उसकी वापसी का बंदोबस्त करे और रमशा की डेड बॉडी को खामोशी से दफनाने की। आरिफ भी सुनकर सुन बैठा था। उसके आवाज़ चुंचला उठे कि रमशो उसका बेटा भी था, उसे मैं ला नहीं सका क्योंकि कैसल डिस्ट्रॉयड होने वाला है और मैं वहां से पर वक्त सिर्फ उसकी बेटी और उसे निकाल कर लाया हूँ। तुम आते वक्त साथ दर का कोल भी लाना। उसे हुक्म देकर रब्ता खत्म कर दिया और गाड़ी में हीटर ऑन करते हुए अपने रिसीवर को इस्तेमाल करते हुए बच्ची की चेकअप की किसी लोकल हॉस्पिटल को ढूंढने लगा। साथ अपने साथ आए आदमियों को भी अलर्ट कर दिया कि उसकी गाड़ी को कोई पीछा ना करे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। उसका दिल धड़क रहा था तो उस साथ उस नन्ही बच्ची का भी। साई ने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए अपनी बुढ़ी को थोड़ा सा उसके नन्हे चेहरे से हटाया। कोल मटोल वो सुर्ख गुलाब बंद आंखों वाली नोमलूद बच्ची का चेहरा सामने था। सकीर, उसके दिल में जैसे हंचक घोंप लिया गया जब उस नाम को याद किया। काश मैं तुम्हें बचा पाता सकीर। दो अलग राहों में सफर करते मुसाफिर अलग ही मंजिल के ख्वाब देख रहे थे। मैं जरूर बदला लूंगा उनसे सकीर, जिन्होंने तुम लोगों को बर्बाद किया मेरी दुश्मनी में। वो एक नया असम बांधने लगा, पर उससे पहले कोई असम बांध चुका था जिसकी आंखों में अभी तारीखी छाई हुई थी। पर वो जानता था जब ये आंखें खुलेंगी तो सब कुछ बदला हुआ होगा। उसकी जिंदगी का मकसद भी उसे मिल चुका होगा। ना सिर्फ अपनी बहन को हासिल करेगा बल्कि वो इंतकाम भी लेगा। हर हर आंसू के कतरे, खून के कतरे का, ना सिर्फ बीस से बल्कि उसके हर दिल अजीज रिश्ते से। ये वही अजम था जो आज से पहले कई साल बांधा गया था। एक नई फैशन, एक नई तहरीर, लहू से लिखा गया वो इंतकाम का सफर जारी था।
क्या हुआ जानू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो उसके लटके हुए चेहरे प्लेट में घूमते चम्मच को देखकर तशवीश सदा सी उसके पास उठाई, जबकि मुंह झुकाए बैठा मिकाइल अपनी माँ के सामने शर्मिंदा था क्योंकि उससे भी तो फादे के साथ मिलकर फैजान को मारा था। नहीं मामा, कुछ नहीं, अब टेंशन फ्री रहें प्लीज, जेड ने बहुत ताकीद की है। उससे फौरन से खुद को संभाल कर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने शौहर के सिकर पर हुरुलेन मुस्कुरा दी। कुछ नहीं हुआ, आप खामा परेशान ना हो मामा, बस इसके कुछ टेस्ट अच्छे नहीं हुए इसलिए मुंह बनाया हुआ है। फादे, दोनों बाप बेटे के नराले लाड मस्जिद बर्दाश्त नहीं हुए तो गुस्सा दबा कर बोला। हूर ने चौंक कर उसे देखा और उसके साथ ही मिकाल ने भी घबराते हुए बड़े भाई को देखा। नहीं मामा, मैं स्कूल में अच्छा हूँ, उसका भीखा लहजा अपनी माँ को यकीन दिलाने वाला था। अरे रोना नहीं मेरा शहजादा, मैं जानती हूँ मेरा मिकाल बहुत टैलेंटेड है, वो उसका माथा चूमती हुई बोली और मिकाल की आंखें चमकने लगी। यस ना मामा, उससे खुशी से पूछा। फादे ने पूरी तरह नकल उतारी उसकी और इतफाक से हूर ने मिकाल की नजरों के ताकों में देख कर कहका लगाया। मामा डैड को 1 मंथ हो रहा है, वो कब आएंगे? आई रियली मिस हिम। उससे फिर उदासी से कहा, ये छुपा हुआ नहीं था किसी से कि ये मासूम सा मिकाइल साहिर आलम का लाडला था। वो था ही इतना प्यारा और मासूम, 7 साल फातेह आलम से छोटा मिकाल आलम जो अपनी मासूमियत की वजह से सब में नुमाया होता था। साहिर को भी इसीलिए पसंद था कि वो बहुत गोलू मोलू जैसा प्यारा था और साहिर से बहुत मोहब्बत करता बल्कि जिताता भी था। जहाँ संडे के दिन फातेह हुरुलैन के पास होता था वहीं मिकाइल साहिर के सीने पर सर रखकर, पर उन चारों के बीच एक माह के बाद एक नन्ही सी परी आने वाली थी जिसके लिए ना सिर्फ फातेह मिकाल एक्साइटेड थे बल्कि गनी भी दिल से इंतजार कर रहा था। आप परेशान ना हो, इस मेज़नी की आदत है, जब तक चापलूसी ना कर ले तब तक इसका खाना हजम नहीं होता। चले आप नाश्ता करें, उठें। फातेह अपनी सबकी हदें फैलांग कर चम्मच पटकता पूर के पास आया और उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया। मिकाल ने पानी भरी आंखों से देखते मुंह बनाया। भाई इतनी रूड क्यों है? ये सवाल चुपा उसे पर जवाब नहीं था। उसके डैड के मुताबिक उसका बड़ा भाई दिमाग से किसका हुआ फितना है, जो चाहता है बस किसी भी तरह उसकी माँ उन दोनों से अलग हो जाए, और रवैया तो मिकाल देख ही रहा था। डैड सच कहते हैं, उससे हाथ की पुछ से आंखें साफ की। मिकाल माय बेबी, हूर ने ऐसे रोते देखकर तड़प कर पुकारा। मामा कुछ नहीं हुआ, डिनर करें, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज मैं देखता हूँ इस खरगोश को। उसके सामने खाना रखता हुआ खुद मिकाल के पास आ बैठा और रहन तो चाहती थी दोनों भाइयों में दोस्ती मजबूत हो, क्योंकि उसके फादे का कोई दोस्त जो नहीं था। वो चाहती थी मिकाल को ही अपना दोस्त बना ले ताकि कोई तो उसका सीक्रेट शेयरिंग हो, वरना तो जाने कहाँ किन हयालू बातों में गुम होता था अपने रूम में। क्या हुआ है? उसके आंसू साफ करते फादे ने मोहब्बत से पूछा। भाई मुझे डर लग रहा है, अगर मॉम को मालूम पड़ गया तो? उसे सरगोशी में कहा और हुरलैंड सरगोशी में बातें करते देखकर मुस्कुराहट दबाते अपना डिनर करने रही थी। वो उन्हें देख देख कर निहाल हो रही थी, वो दोनों उसके शहजादे थे फातेह मिकाल, और अब एक माह बाद उसके घर में एक रहमत भी आने वाली थी। उससे हाथ रखकर महसूस किया आलम उससे हाथ का छाला बनाकर बैठा हुआ था, और इस हालत में तो उसे वॉक करवाना, खाना पिलाने, खाने को टेस्ट करना, यहाँ तक के चप्पल भी देखता कि कहीं उसमें भी कुछ तो ऐसा नहीं जिससे उसकी बीवी को तकलीफ या बेसुकूनी फील हो। एक माह पहले वो अपने किसी काम से गया था, थोड़ा वक्त तो जैसे तैसे गुजरा, पर अब हुरुलैन का दिल घबरा रहा था, जाने कहाँ रह गया था, इतना अरसा दूर तो उससे पहले कभी नहीं रहा था। पूरा 1 मंथ वो उससे बगैर बातचीत किए रहा था, कुछ है खबर नहीं, सिर्फ आरिफ के मुंह से ही मालूम पड़ती उसकी हैरियत या सिमी आकर उसे बताती और वक्त गुजारती। यहाँ उसके इस सारे अपने थे, नूर मेसी बुरहान दाद सिमी आरिफ बल्कि दरगाह भी उसकी बहुत केयर करती थी, एक नर्सी जो उसके लिए थी। साई की तमाम हिदायत सुनने के बाद कुछ टेस्ट देकर हुरुलैन के पास आई थी, क्योंकि साई जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। जवेरिया को देखकर हूर को अपने दोस्त डॉक्टर रमशा याद आती, कभी तो उसकी याद में आंसू गिर जाते। उसे देखने की शदीद ख्वाहिश कर चुकी थी, पर उन सब के बताने पर कि वह पाकिस्तान में नहीं रहती, यहाँ से चली गई है, तो दिल महसूस कर रह गई, जाने कब वो उससे मिलेगी। वाहि दोस्त थी उसकी रमशा, सबका उसके लिए प्यार वैसा ही था, बस कुछ ज्यादा ही बच्चों के बाद आलम तंग दिल हो गया था उसके मामले में, और सितम ये था कि उसे वो समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहता था कि वो एक खुदगर्ज इंसान है, सही अल्फाज से वो मतलब ही है, उसे सिर्फ अपना मतलब होता था, उसकी ऐन उसके पास ही रहे, किसी और को ना सोचे, उसे ही चाहे, और इस चाहत में उसके बच्चे भी शरीक ना हों।
इतना तो शिद्दत पसंद हो गया था कि अपने छोटे से बेटू को अपने पास बेड पर सुलाने की बजाय उन्हें दीवार में बुलंद लगे गहवारे में डाल लेता था। बातें तो एहतजाज बहुत करता था, रोता चीखा चिल्लाता, पर मिकाल खामोश अपने बाप की रजा में राजी था। तभी तो उसका लाडला था, फादे ने क्या कुछ नहीं किया था अपने बाप के साथ। जब वो थोड़ा बोलने लायक हुआ तो सबसे पहले उससे मॉम बोला और उससे ही जुड़ी सारी बातें शुरू की। ये क्या सही को जलाने के लिए काफ़ी था, जो ऊपर से उसे डैड या पापा कहने के बजाय वो बाप कहने लगा। ये जिस चीज़ से सुना बुलंद कह के लगाए, बल्कि बुरहान ने तो काफ़ी तंज भी किए दोनों बाप बेटे के रिश्ते पर उस बेचारे की हालत भी सबके सामने थी। जुहान फेरी ने उस फेरा बनाकर पैर झुका दिए थे, क्यों फड़फड़ा कर रह जाता हूँ। और उसकी लेडी बॉस या साइको औरत उसे चुटकियों में उठाकर पेट पर पटक देने वाला हाल था उसका। उसका कहना था कि अगर ऐसी ही औलाद रही तो वो जल्दी इस दुनिया से पर्दा कर जाएगा। मुस्कान ने तो काफ़ी मनाया इस कदर कि बुरहान हैरान हो गया उसके अल्फाज पर। प्लीज स्वामी अभी मत भरो, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है सफ़ेद कपड़े पहनने की। अब ये तन साया मोहब्बत पर मोहब्बत इतनी खतरनाक, वो कानों को हाथ लगा गया। सुहान की बनती तो नहीं थी फादे से, वो क्यों उसका मालूम किसी को नहीं था। ये यूं कहा जाए कि फादे ने उन पर तब कभी तवज्जा ही नहीं दी थी, उसकी तो धारम से भी नहीं बनती थी क्योंकि उसके सामने वो छोटे बच्चे थे। क्या उनसे बात करता, उसकी सोच काफ़ी बड़ी थी। भले वो छोटा था पर सोच बड़ी रखता था, अपने बाप की तरह ही महदूद रहना चाहता था रिश्तों में। तारम सुहान की दोस्ती गहरी थी, मिकाइल और अब्दुल गनी की फिर तो सबकी फड़फड़ाती नानी थी। रहा फादे, वो बस पत्थरों तक ही महदूद था, या पढ़ना या खामोश रहकर पत्थरों से खेलता। अपनी माम को सोचना यही काम थे, पर यह भी सभी जानते थे आलम और फातेह जितने एक दूसरे के मुखालिफ थे उतने करीब। ना फातेह दूसरे के मुँह अपने बाप के लिए कुछ सुन सकता था, ना सही आलम अपने बेटे के लिए। यह अलग बात थी उनका झगड़ा सिर्फ हूरू लैन पर था, दोनों ही शिद्दत पसंद थे। और सही का कहना था वो पहले उसकी ज़िंदगी में आई तो उसकी बीवी है, सिर्फ उसकी ही रहेगी। फादे का कहना था वो उसकी खोख से जन्म लेने वाला उसकी पहली औलाद है और वो उसकी माँ है, इससे उनका रिश्ता काफ़ी गहरा है और इस लिहाज से हूरू लैन पर सिर्फ उसका हक है। पर इस बेईमानी से तकरार पर काफ़ी झगड़े हो चुके थे इस घर में और छुप छुप कर वार किए जाते, जैसे फादे का चुपकली मारकर सही के शूज़ में डालने या उसके पीने वाली पानी में स्लीपिंग पिल्स भी डाल लेता था। पर नतीजा वो होता कि जो थोड़ा मॉम के पास सोने का वक्त मिलता वो भी छीन लिया जाता। वो अपने सख्त घेरे में बीवी को झगड़े सो जाता, पर अगले ही पल जब फादे की बारी आती तो अपनी माँ से बेतहाशा मोहब्बत करता, उससे खूब प्यार लेता कि सही के सबकी हदें ही छूट जाती और वो बिफर कर उसे माँ से अलग करके हूरूलैन की नसों में गलत साबित हो जाता। फिर कितनी देर वो माँ की कोख में पड़ा होता और साइज जन्नतों में मशगूल उसे मना रहा होता हूँ। आर यू ओके मॉम, उसे बेवजह ख्यालों में खोया हंस से देखकर फादे मिकाइल हंसते हुए बोले, तुम्हारी डैड की याद आ गई, वो हंसकर बोली। मिकाइल की तो मुस्कुराहट गहरी हो गई जबकि फादे का खून चल पुन गया। आपने खाना खा लिया, उससे फौरन से एक डिश उसके सामने पेश की और उसके सूख चेहरे को देखते खिलखिला उठी। यही याद कर रही थी, वो हंसी हुई आँखें साफ करके माथा चूमने लगी। आपकी आँखें क्यों भीग रही हैं, वो तशवीश सदा होकर बोला, आंसू साफ करता बोला। मालूम नहीं खुशी में भी भीगती रहती हैं, वह हंसकर बात डालने लगी। पर फाते को यक वक्त गुस्सा आया। ये भला क्या बात हुई, ये आंखें तो मॉम की थी तो उनके मुताबिक क्यों नहीं चलती, लगता है रोने का बहुत ही शौक था इन आंखों को, वो गुस्से से बोला। हूरूलैन एहसास में घिरी अपनी आंखों को छू कर रह गई। मिकाल की कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, वो हवनकों की तरह उन्हें देख रहा था। चल जल्दी नाश्ता करो और सीधा जाकर सो जाओ, वरना मैं माम को बताऊंगा कि तुम आज उनके मासूम हाने को मास तहस तहस करके आए हो। बेबी, वो बेबी पर जोर देता बोला। उसके बदले लहजे पर मिकाल साकित हो गया, पर वो क्या जाने अपनी मॉम के पास रहने के लिए फाते उसके बाप से भी शायद आगे जाने लगा था। भाई वो आप क्या मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ कर मरवाया था, नहीं ना, तो चलो अब अच्छे बच्चों की तरह डिनर फिनिश करो और जाओ सो जाओ, कल स्कूल जाना है। उसके बाद सवार थे उससे बड़ी मोहब्बत जताई जिसे देखकर और खुश हो गई थी, पर वो ये नहीं जानती थी फातेह उस मासूम को किसका ब्लैकमेल कर रहा है उसे दूर रखने के लिए। ओके भाई, वो मिनमिना कर रही है, पर उसकी
लड़की शक्ल से हुरुलेन अंदाजा लगा चुकी थी। धड़का, उसने धड़का को बुलाया जो किचन में अपनी निगरानी में खाना बनाती थी। जब तक वो खाना ले। यस मैम, उसकी आवाज़ पर वो तेज़ी से निकलकर हुरुलेन के पास पहुंची। मैं आज अपने दोनों बेटों के साथ सोऊंगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं बताओ। उसकी बात पर धड़का परेशान होकर इरफादा को देखने लगी, जिसके तेवर साफ थे कि अभी अगर उससे हाँ ना किया तो वो उसे उठाकर आसमान से नीचे पहाड़ों में फेंकेगा। मैम, पर सर, वो हिचकिचाई, भला उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, और इस कंडीशन में तो साहिर ने उसे ज़रा भी मायूस सा रखने के लिए ताकीद की थी। उनकी फिक्र मत करो, अगर उन्हें मुझे रोकना है तो वो खुद आए। वो नाक सुखेड़ गई। धड़का मुस्कुरा कर सर हिलाते फादे को देखने लगी, जिसका चेहरा चमक रहा था। चल निकल भैंस, उससे इशारों से चिढ़ाया। धड़का घूरती लब भींच गई। कुछ भी था, वो उसे जान से ज़्यादा अजीज था, अपने बच्चे की तरह उसे पाला था, पर एक आदमी हमेशा रखा हुआ था जिससे वो सईर और धड़का को दुश्मनी तस्वर करता था। पर ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था कि दुश्मन कौन और खैर ख्वाह कौन, क्योंकि आने वाला वक्त एक बड़ी आजमाइश लाने वाला था फादे के लिए। फादे को धड़का था कि कहीं वो अपनी मॉम भाई से ही जुदा ना हो जाए। चले, हुरुलेन अपना वजूद संभाल कर उठी, उन दोनों के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने जहाँ उनकी खूबसूरत माँ अपने सुर सफ़ेद हाथ फैलाए मुंतजर थी। चलो जाने फादर, वो हंसकर उसका हाथ किसी शहजादे की तरह चूम कर उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए पीछे से सहारा देख कर बढ़ा। मैं पुर का हाथ चूमने के लिए थामे, मिकाल तस्बसब का शिकार था। चूमे या झुके, उसकी आंखें फैलाकर मासूम से पूछने पर हुरुलेन और फादे का कहकर बेसाखता था। मैं ऐसे ही तो इसे हर गोश नहीं कहता, फादे ने उसे खींचकर अपने साथ लगाते कहा। और हुर उसका माथा चूमती हुई रूम की तरफ बढ़ी। वो रूम में दाखिल हुए तो पहली ही नज़र दोनों की दीवार में फिट गहोरे पर पड़ी, जहाँ दोनों ने बचपन से सोकर गुजारा था, और दूर ही अपनी माँ को तरसती नजरों से देखा था। इस बाप ने मेरे साथ तो बहुत जुल्म किए हैं, वो बेचौताब खाकर रह गया, क्योंकि ये वो वक्त था जहाँ अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी और फिर उसके बाप को चलाने के लिए एक नई बात हाथ लगने वाली थी। वो सोच सोच कर खुश हो रहा था कि जानकर कैसे उसका चेहरा सुर्ख होगा। फादे, तुम अपने डैड को बाप क्यों कहते हो जानी, वो उन्हें स्लीपिंग ड्रेस संवाती हुई बोली। ये सवाल काफ़ी अहम था, मिकाल ने भी खोल कर देखा। मैं अब उन्हें क्या क्या कहता हूँ ये तो मालूम ही नहीं किसी को, बड़बड़ा कर केका लगाते वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। मॉम, भाई तो डैड को बाप नमक क्रीचर कहते हैं, मिकाल ने राजसारी से अपनी माँ के कान में सरगोशी की। पूर पहले हैरान हुई, फिर जी मॉम बताना नहीं, वो मुझे पनिश करेंगे। पूर को मुंह खोलते देखकर मिकाल ने अपने लबों पर छोटी सी उंगली रखी। हैं, पर बापनुमा क्रीचर क्या है, उसके अगले सवाल पर मिकाल हवनकों की तरह शक्ल बनाकर माँ को देखने लगा। इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, चलो मैं आलम से पूछ लूँगी, वो खुश हुई। और मिकाल सटपट आ गया, उसकी तो आदत थी सब कुछ बता देने की, पर जब ये दोनों को मालूम पड़ेगा तो कितना हंगामा होगा। अरे अरे, मैं बताता हूँ ना मॉम, बापनुमा क्रीचर मतलब बाप के रूप में एक अच्छा इंसान। अब आप बस डैड या फादे से मत पूछिएगा, वो इल्तजाइया बोला। हैं, सच्ची ये मतलब है, फिर तो मैं आलम को शोहर नुमा क्रीचर बोलूँगी, वो इतने अच्छे शोहर जो हैं। वो चीज़ें सुर हो गई, मिकाल की हालत पतली हो गई, उसे अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत के तारे नाचते हुए घूम रहे थे। शोहर नुमा क्रीचर डैड, वो सरगोशी में बड़बड़ाता हुआ ड्रेस उठाता हुआ बाथरूम की तरफ जाने लगा। आंखों में नमी उतर आई थी, ये क्या अपने हाथों से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। तो क्या मॉम अब डैड को शोर नुमा क्रीचर कहेंगी, वो भी मेरी वजह से। वो खिलखिलाना चाहता था पर रोना भी साथ आ रहा था। एक बार फिर वो दो शाख के बीच फंस गया था अनजाने में ही, पता नहीं कब छोड़ेगी मुझसे ये आदत, वो थककर बोला और कोई नई बात सोचने लगा जिससे बात भी खत्म हो और शोरशा भी ना उठे, वरना इंग्लिश की दीवानी उसकी माँ उसके बाप को क्रीचर ही बना देगी। इस मामले में उसकी हेल्प सिर्फ एक ही कर सकता था, वो था अब्दुल गनी, उसका दोस्त गनी। वो जब चेंज करके बाहर निकला, नर्सें सीधी सामने उठी, जहाँ अपनी माँ की पेशानी पर भोसा देता फादे उनके पालों में उंगलियाँ फेर रहा था। यहाँ आओ, और उसका मासूम सुर्ख चेहरा देखती बाहें फैलाकर बुलाने लगी। वो मुस्कुरा दिया और छोटे छोटे कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ रहा था, और वो दोनों उसे देख रहे थे। तो मिकाल की नज़रें अपने बाप की तस्वीर पर थी, जो उसका आइडियल मैन था, एक परफेक्ट अच्छा इंसान। फादे के बरक्स वो दोनों सही के माने क्या नाम से ही अनजान थे,
पर जब किसी के दिमाग में बना एक सफ़ेद धागा टूट कर बिखरता हूँ, क्या रीत में तब्दील होता है, उससे क्यामत बर्पा होती है। कई हंसियाँ तो तहस तहस हो जाती हैं और मासूमियत से जुनून आतिश सर पर सवार हो जाता है। सैर आलम की पूरी कोशिश थी वो अपने बेटे मिकाल को इस सबसे दूर रखे, अपनी माँ के लिए एक अच्छा साया बनाए। पर कहते हैं कई बार सोचा हुआ सच नहीं होता, और होता वही है जहाँ हमारी सोच की दूर दूर तक पहुँच नहीं होती। आलम का मिकाल एक मासूम इंसान की ज़िंदगी गुजार सकता था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, सवाए उसके कि मिकाल एक मासूम अच्छा इंसान बनेगा। मॉम, सिस्टर का क्या नाम रखेंगे? मिकाल तजस्सुस से बोला, ये तो तुम्हारे डैड बताएंगे। वो मुस्कुराती दोनों की पेशानी चूमती बोली, बाप नहीं मैं रखूँगा। आते गुस्सा होकर बोला। दोनों चौंक उठे और उसके सुख रंग एक नया मौसू बहस सोचते खिलखिला उठे। आते सुधर जाओ, तुम्हारे बाप है, और सर पर चिपट मारती हंसी हुई बोली। वो नागपुन में चढ़ा गया। बाप ही तो बोल रहा हूँ, उससे कहा और मिकाल हंसा। बाप नहीं डैड बोलते हैं, उससे तैसे ही। हाँ हाँ वही डैड वाली मखलूक, उससे जान छुड़वाई। घूर ने घूरा अपने शोर के लिए उसकी बेजारियत पर, और अब की बार फाता कह के लगा उठा।